नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। बार अटेंडेंट का एग्जाम देने तो पहले यह जरूरी हदायतें ने, एक बार इन्हों नू समझ लो अते इन्हों नू फॉलो जरूर कर लियो। जे तुसी ये फॉलो नहीं करोगे तो तुहानू एग्जाम सेंटर विच इंटर नहीं होन दिता जाएगा। सब तो पहला पॉइंट विच इन्हां ने की लिखा होया है कि मास्क पहनना लाजमी है, मास्क तो बिना भी इंटर होन नहीं दिता जाएगा एंड समाजिक दूरी बनाई रखनी है। परीक्षा दौरान पानी की बोतल लियाने की इजाजत नहीं है। इस तो इलावा पॉइंट नंबर 5 विच की लिखा होया, बिना एडमिट कार्ड ते रोल नंबर तो बिना प्रीख्या हाल विच इंटर नहीं होने दिता जाएगा। एक होर मेन पॉइंट यह है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहा है वो अपना ब्लैक पेन नाल लेके जाए, क्योंकि OMR शीट से जोड़े सर्कल फिल करने ने वो ब्लैक पेन नाल फिल करने होंगे, तो यह तुसी अपना लेके जाना होगा। इस तो इलावा पंजवा गोला इन्होंने दिता हुआ, जिवें A B C D E का ऑप्शन इन्होंने दिता हुआ। जो तुम इस सवाल का जवाब नहीं आता, नहीं देना चाहते, तो तुम ई सर्कल से राउंड कर सकते हो। वो भी तुम्हें समझा देना OMR शीट किस तरह की है। इसमें चंगी तरह समझ लो, कहने का मतलब की है कि जे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो तुम्हें पंजवें गोले पर ई ते साइन जरूर करना है, क्योंकि इसका जो तुम नहीं करोगे तो क्वेश्चन एवं ही छड़ दो, खाली छड़ दोगे तो नैगेटिव निशान वजो ही लिया जाएगा, तो 1/4 अंक थोड़े कट ले जाएंगे। तो हूँ जो एग्जाम हॉल में तुम जाओगे तो इस तरह की OMR शीट देखने को मिलेगी। ये फिल किमें करनी है, सब तो पहला करना तुम्हें की है, इतने बुकलेट थोड़ा क्वेश्चन पेपर का शीट होगी, ABC जो भी होगी इतने ए लिखना है, तो नीचे ए ही सर्कल करना है, यू सर्कल कर दो। इस तो बाद उपर थोड़ा इधर रोल नंबर है, इधर बुकलेट नंबर फिल करना, जो भी बुकलेट नंबर है 1 2 3 4 5 होगा, तो इधर एक करना, इधर दो करना, इधर तीन कर दो, इधर चार, इस तरह तुम्हें करना है, तो इतने ही रोल नंबर करना फिर तुम अपना, तो जो भी इस बॉक्स में तुम्हें अंक लिखा होगा वही अंक तुम्हें इतने सर्कल करना होंगे। हम थोड़े को एक क्वेश्चन पेपर दिता जाएगा अलग, तो उस क्वेश्चन पढ़ने हैं तो उसके ऑप्शन रीड करने ने, जिवें क्वेश्चन नंबर एक पढ़ लिया तो उसके चार ऑप्शन भी तुम रीड कर लियो। हूँ तुम्हें पता लग गया कि इस क्वेश्चन का यह ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो इन्होंने चारों में एक तुम सिलेक्ट कर लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर एक का बी ऑप्शन ठीक है, तो आप बी नूं इस तरह सर्कल कर देंगे। हुण क्वेश्चन नंबर दो तो आता नहीं, तो तुम्हें करना की है ई ते इस तरह कर देना है। इसका मतलब यह होंगे कि यह क्वेश्चन मैं किया नहीं, अटैम्प्ट नहीं किया, मैं आता नहीं। ओके दोस्तों, सिंपल भाषा में तुम्हें समझा देना, जोड़ा भी क्वेश्चन तुम्हें आता है उसके ऑप्शन किए हो आंसर A B C D तक आप चूज़ करने ने। जो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो तुम लास्ट वाला ऑप्शन फिल करना भी इस तरह। जे तुम एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता तो तुम लास्ट वाला ऑप्शन है जो ई है इसमें आप इस तरह कवर कर देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 का तुम क्वेश्चन पेपर बिचों रीड कर लिया क्वेश्चन, तो उसके ऑप्शन भी रीड कर ले, उस तो बाद तुम्हें पता लग गया कि इसका सैकेंड ऑप्शन है बी वो सही है, तो उसमें आप इस तरह सर्कल कर देंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद है तो पूरी गल ही समझ से आ गई होगी। एंड जो तुम क्लासेस देखना चाहते हो मेरे चैनल के, दो तीन क्लासेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल से तुम्हें प्रोवाइड करवा दी है, जिस विच काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं, उन्होंने जरूर विजिट कर लियो। एंड बार्ड अटेंडेंट के रिलेटेड बेस्ट बुक है जी, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। जो तुम बुक हाले तक बाय नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो एंड ऑनलाइन अमेजॉन पर जाकर कैश ऑन डिलीवरी से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ओके दोस्तों, जो इस रिगार्डिंग कोई होर इनफॉर्मेशन लेनी है तो यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इससे मैंने फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी ले सकते हो।